ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੰਜੋਇੰਸ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਇਹ ਪੁੱਲ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਫ ਯਾਰ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਆ ਲੱਗ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਬਸ ਇਹ ਪਹਾੜ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਿੱਚੋ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ नजदीक है दूर है उनको बोलना जल्दी आ जाओ भाई सो जी इत्थे एक ब्रिज सीगा जिहड़ा पानी दे बहाव नाल बिल्कुल खत्म ते कितना टाइम कह रहे हो भाजी इनू खत्म है इनू भाजी 6 महीने तो वध हो गया 6 महीने तो भी उपर हो गया पानी आया सी ते इस पुल नु बहा के लै गया ही पर थोड़ा जा रस्ता इन्होंने चालू तो किया चलो मैं भाजी नॉर्वे दे विच बड़े आला किस्म दे सुरंग वेखे पर इदां दी नहीं देखी होनी हां उत्थे 2000 दे करीब सुरंग हैगे आ पर उहनां कोल भी ऐसे सुरंग नहीं है It's amazing. काफी डेंजरस है देखा चाहते भाई हाँ जी भाजी ताई तो भजन दे हैं कि किसी तरीके ने पहाड़ियां क्रॉस कर ली है पर नीचे जो पानी है ना बिल्कुल ब्लू वाटर ते आ गया बर्फ का लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं बैठे हैं थले समान लेके आए हैं मैंने वैसे भी वो गल अच्छी लगी जिहड़ी तुसीं कीती ना कि तुहानूं इहो जिही जगह पसंद आ इह हुण वेखो राइट हैंड साइड ते गुफा जी गड्डी ट्रक जा रहा जी अगे साडे गलत ना समझना ये पुलिस नहीं है जी ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ 6 ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਵੀ ਟੱਪ ਜੇ ਤੇ ਗਾਰਡ ਗਾਰਡ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕਰਦੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਓ ਹੋ 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 ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਜੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਸਤੇ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ
खोले जरा लॉक, चलेगा कोई साथ में? आज जल्दी आ जाए, पासपोर्ट देना थोड़ा, वो देते हैं थोड़ा, नहीं कार्ड के नहीं दे सकता। ओके ओके, ये लो साथ बैठेगा या गाड़ी है? नहीं बाइक है। बाइक है, साथ बैठ जाओ, साथ बैठ जाओ, सर्दी में क्यों? अच्छा नहीं, नहीं हमारे साथ बाइक है, फिर वहां से भी आना है ना, तो उधर से बैठ जाना इसी पर, इसी चीज पे। अच्छा चलो ठीक है, हमने भगानी है, जरा जल्दी कर दे, मैं कहा गया कि रात को यहाँ से निकल जाएं टाइम से, बस नहीं अल्लाह खैर के पानी रही है आगे, फिर आप ऐसे समझो। हमें ये कहा था पुलिस मिले ना मिले निकल जाओ, भाग जाओ बस। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह तो खैर करेगा, पर गाड़ी तो मैंने चलानी है। आपका पासपोर्ट आपके साथ आ रहे हैं, आगे जैसे आप होगा फिर चलो हम चलो, अभी आप अल्लाह खैर करे रास्ता है आगे लेके निकल जाएंगे। ठीक है ठीक है, खाली पहाड़ी एरिया, हम लोग आपको साथ हैं, आ जाए आ जाए। ओके, ये मेरे पास आप ले लीजिए, नहीं वो पुलिस वाले, हम लोग लेडीज वाले हैं, इस वजह तो लेविस वालों के पास पेन नहीं जरूरी होता। अच्छा क्या लिखना है इधर? अपना नेम लिखने। अच्छा ठीक है, अगर पासपोर्ट नंबर है तो वो भी लिख लें, ठीक है, उस भाई का भी लिख लें, किसी वाले का भी लिख लें। बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप लोग, कितना और पहाड़ी एरिया? बस ये लास्ट फाइनल है, आधा तकरीबन 10-15 किलोमीटर, नहीं नहीं 2-2.5 किलोमीटर ज्यादा नहीं, बस जिंदाबाद। ओ वेरी गुड। और वो सीपी वाला सीपी वाला रोड कहाँ पे आएगा? प्लेन रोड, सीपी वाला रोड प्लेन सीपी के बाद आएगा। आप यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर क्रॉस कर लें, फिर मेन रोड है बस। ठीक है सर। ओके ओके, अभी पुल ना थोड़ी देर निकल जाओ, फिर बाद चुके हो ना, दसो चलो चलो चलो। कौन दसो गोल है ना, मैं देख नहीं सकता, रहन तो रुक जाओ। अच्छा 8:30 बज जाते हैं, ऐसे रेंज की तब है, इन्नू भी अकल आ गई थी, आ गया हैं और नू भी अकल आ गई, वो खेले खुल के ना बेचारे। पाकिस्तानी डीजल, चलो और चले जाइए पहले डीजल, नहीं वो पेट्रोल है डीजल। ठीक लो जी, आज पाकिस्तान दे विचों दूजी बारी तेल पवाया जाएगा, पहली बारी किन्ना पवाया है भाजी? वो थोड़ा जिहा पवाया सी, पैसे थोड़े साडे, पैसा मुक गया ही, इस करके अज देखो फुल कराने टंकी ते फिर दसदे हां एवरेज डीजल डीजल। चलो जी, पहाड़ी एरिया हो गया बिल्कुल खत्म, ते ऐसी जा रहे हैं हुण सखर वाले पासे नूं, ते कोयटा रह गया पिछले पासे, और हुण थोड़ा थोड़ा जा एरिया साफ आना शुरू हो गया, तां इत्थों दी डीजल पूरी फुल कर लिया, फिर देखदे कित्थे जाके खाली होएगा, तो फिर मिलते हैं। सो पहाड़ियाँ आलमोस्ट मुक गई हैं और असी डाडर पहुँच गए हैं, डाडर ते पंजाब तो थोड़ा ही है, तो पाकिस्तान दे विच हुण आपां दूजी वारी, एक कल असी पवाया सी पेट्रोल ते गज अज पवा रहे हैं, और इत्थे पेट्रोल दा रेट है 230, ते जो चीज़ मैं क्रॉस करना चाह रहे सी बहुत स्पीड नाल गड्डी चलाई, मैनूं नहीं पता पिछे सिक्योरिटी वाले मोटरसाइकिल ते सी उह कित्थे रह गए ने, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैनूं मेरे दोस्त ने कहा सी कि ये पहाड़ियाँ जिहड़ियां ने जिन्नी छेती क्रॉस कर सकदा क्रॉस कर लें, कोई गल नहीं। सो अगे सिब्बी, यहाँ से सिब्बी कितना दूर है? 25 किलोमीटर है। कितना? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, अच्छा अच्छा। अभी और तो पहाड़ियाँ नहीं होगा, पहाड़ियाँ तो खत्म हो गई। पहाड़ियाँ ये पहाड़ी इस तरफ, इस तरफ जा रहे हो ना? हाँ वो तो सर छोड़ा है अभी। बात ठीक है ठीक है ठीक है। केड़ा है पेट्रोल, पाकिस्तानी डीजल? पता नहीं। डीजल है बाबा, पता नहीं ले रहा। नहीं नहीं, डीजल ही है। हाँ डीजल ईरानी डीजल है। ईरानी? ओ
दरवाजे लगे ने ना खोल देंगे पानी डिगदा की कहते ने उन्हें सखर सखर बैराज कोशिश कर लेना पर इस पासे टाइम हो गया 9:10 तो आई होप ये साड़ी लास्ट स्कॉट है। वैसे तो सानू कह रहे हैं भी अगे जाने भी असं अगे भी जा सकते थोड़े ना पर रिक्वेस्ट की थी कि असं जा सकते हैं अगे थोड़ी देर में मिलाने थोनू इन्हों जो हो सकता तो नाइस टीम है इन्हों सारी सर आप सुन के बहुत खुशी हुई, आपने बड़े तरीके से हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चले गए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितने ट्रैक ने भजे थे? ए M20 तक, ए अल नहीं अल मोटरवे इंटरचेंज कितना लिखा? सखर शहर तो निकल गए, अपने लेफ्ट हैंड साइड ते सारा सखर शहर सीगा। सखर शहर ही तुसी ओदी इंटरचेंज पैनी सन, सखर शहर ही। हाँ जी, ਸੋ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੁੱਕ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਛਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ
फर्स्ट स्टॉप M5 से एग्जिट बड़ा जबरदस्त बनाया पर जाना किधर नूं लगे मस्जिद बनाई है जी इधर ढाबा भी है बिल्कुल सामने बहुत सोहनी नाइस एन वधिया साफ सुथरा बनाया देखो सो जी असी खड़े हैं स्टैम मुल्तान दे फैसल मूवर्स टर्मिनल ते इतों दी बसा चल दी ने आ देखो जी मुल्तान ओके मैन ठीक है जी शाम को फिर कब तक आए ठीक है मैं आऊँगा उस साइड पे मैं आपको फ़ोन करूँगा मुझे एक टेक्स्ट कर मुझे तो बहुत अच्छा लग गया बना लो ना ठीक मुल्तानी भाजी ना रात बिच आ देखो जी ए आ मुल्तान ते रात दे किस टाइम सानू लै आए मुल्तान मैं तुहानू ओह भी दसदा हाँ ये विखा दे कहते नहीं मैं मुल्तान का चाह बड़ा चढ़िया रात के 2:30 बजे सानू मुल्तान ले आए यार दस मैं नींद आई है कहता नहीं मैं मुल्तान फिरना चलो आज फिर आने तुम मुल्तान ऐही खुला सी एक फैसल मूवर यहाँ से चले थे जर्मनी से पंजाबी बोल लो उन्होंने नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी सो फाइनली आपां श्री गुरु नानक देव जी की धरती ते पहुंच गए हां सो जो साडा टारगेट सी उस दे हिसाब नाल असी पहुंच चुके हां ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਲਾ ਲਓ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ M4 ਹੈ ਕਿ M5 ਇਹ M4 ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ M4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਬਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ
कल का दिन बचाण वास्ते पूरी रात ट्रैवल की अज तो इस वे लगभग सुबह दे पौने पांच होए ने और पांच बजे तक असी घर पहुँच जाएंगे दस मिनटां दे विच विच। हाँ जी सो ये हैगा टोल ननकाना साहिब टोल प्लाजा। सो फाइनली 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 ठीक है ये गाड़ी बाहर की है हाँ जी बस देख ले बाहर की गाड़ी को पाकिस्तान में ले आए दे देते हैं क्या हुक्म है मेरे आका एक पर्ची दे दे पर्ची तो पर्ची तो नहीं हम तो स्कॉट के साथ आए थे वो स्कॉट थी ना हमारे साथ पर्ची निकली नहीं मुल्तान 480 वैसे हमें हमसे पीछे किसी ने भी नहीं लिया स्कॉट की वजह से क्योंकि ये फॉरेनर गाड़ी है ना मैं पीछे करता हूँ आप देख लें ये जर्मनी की गाड़ी है पीछे कर दो तो नंबर देख लो आप नंबर देखो नंबर हाँ जी अच्छा क्या बोलता है ले ले उससे ले लो मजाक कर रहे थे मजाक पर हम बाहर से ही आए हैं वैसे टोल फ्री नहीं करते हैं कि जितना एक दो दिनों ले मतलब एक दो दिनों वास्ते जेड़ा गुरपुरब वो वडिया गड्डियां फ्री होती है जेड़े स्कॉट दे विच आंदी है ना ठीक ठीक असि सो असि तानू एक बारी सुबह भी है सारा नज़ारा विखावांगे और चूंकि असी जड़ा है वो ना तुसी वेख सकते हो सामने बोर्ड के उपर एक पासे ख्याड़े कलां लिखा है जो इत्थे दा पिंड है और दूसरा ननकाना साहब जो 9 किलोमीटर लिखा होया है सामने कुछ ही ननकाना साहब के पूरे पाकिस्तान दे विच दो तीन ही बोर्ड ननकाना साहब की गुरमुखी च लिखे हुए ने जिन्हां जे भी है गुरद्वारा जन्म स्थान 9 किलोमीटर ननकाना साहब 9 किलोमीटर और वार वल्टन जो एक शहर आबाद है गोरे दे नाम दे उपर वो 27 किलोमीटर है जी। सो आपां तुहानूं दिन वेले भी सारे दर्शन करावांगे लेकिन अपनी एक यादगार अपनी एक जो जर्नी सी पिछे पिछे सुबह दे असी तुसीं कह लो कि पिछले 20-21 घंटे तो लगातार ड्राइव जिहड़ी असी कर रहे सी वो सिर्फ इस करके कर रहे सी कि कल ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਾਫਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੋ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਗਭਗ 13-1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੁਬਹਾ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਵੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਾਂਗੇ
पेंट तो शुरू है। अच्छा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी की अपनी जमीन है, हाँ जी, जो उन्होंने नाम से वजदी है, ये इस सोसाइटी तो बाद चूंकि कोई सोसाइटी नहीं बन सकती है, लिखा भी हुआ है इतों 5 किलोमीटर है, लेकिन इतों गुरु नानक देव जी की जागीर शुरू हो जाती है सारी, जी वक्फ बोर्ड इमलाक को ले गई। इतने सिर्फ खेती ही हो सकती है बस, या पुराने जड़े आबाद कर रहा हूँ उन्होंने आबाद कर। ਸੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ। ਚਲ ਪਾਪਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪੇ। ਸੁਬਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਟੂ ਮੱਚ ਔਖੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।